आज रात या कल सुबह अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से आ जाएगी। रमीज राजा टाटा है मोहम्मद वसीम बैक टू पॉलिश एंड आई विल गिव यू अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रमीज राजा एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे अब से कुछ टाइम के बाद, आज नहीं तो चैंपियनशिप से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो है नए नजम सास के आते और बोर्ड में आकर प्रॉपर तरीके से रमीज। लेकिन ये जो एडॉक लगाया इसके बाद रमीज के पास एक लीगल फुटिंग जरूर है। अब वो रमीज की मर्जी है कि रमीज इसको परस्यू करना चाहते हैं, वो लीगल बैटल में घुसना चाहते हैं, वो नहीं घुसना चाहते, वो अब उनकी मर्जी है। लेकिन उनके पास एक लीगल फुटिंग जरूर है क्योंकि एडॉक यानी ये चेयरमैन दुआ कर लें जूनियर पीएसएल करा के, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था उनका जिसमें बहुत बड़े बड़े मेंटोर बने और उनको बड़े पैसे बांटे गए। रेहान दिया है उन्होंने इंग्लैंड को, रेहान। अच्छा रेहान उन्होंने दिया, अच्छा मैं समझ रहा था इंग्लैंड वाले लाए। अच्छा ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा। जो आउट कर देगा वो हमारा, जो आउट कर देगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भाई का चैनल करली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों बात करें तो रमीज हसन राजा जिनकी छुट्टी हो चुकी है, आज सुबह ही नए चेयरमैन आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और रमीज राजा को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आप अब वेकेशन पे जा सकते हैं, रमीज राजा आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रमीज राजा जो कि बड़ी बड़ी फेंकता था कि हम पीएसएल जूनियर करवाएंगे, हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, इंडिया यहाँ पे हमारे यहाँ वर्ल्ड, लेकिन ये सब रमीज राजा के सपने थे जो सपने सपने ही रह गए। और रमीज राजा को पाकिस्तान ने ठोकर मार के निकाल दिया चेयरमैन की कुर्सी से। अब रमीज राजा की जगह आ गए हैं नजम शेट्टी साहब। तो इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया देखने के लिए शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। नोटिफिकेशन हो गया है शकील शेख साहब और नजम शेट्टी साहब का, नोटिफिकेशन हो गया है, आज रात या कल सुबह अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से आ जाएगी। रमीज राजा टाटा है मोहम्मद वसीम बैक टू पॉलिश एंड आई विल गिव यू अ मालिश, इट्स माय प्रॉमिस जी। निकल आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं, किसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी। रमीज राजा एंड का बाजा बज गया, टाटा बाय बाय जी। ये तो होना ही था क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में खास करके आज तक वो काम नहीं हुआ जो इनके टेन्योर में हो रहे हैं। पहले भी वर्ल्ड कप में हकीकत तो ये है कि हम चलो जैसे तैसे भी थे, लेकिन हम जिम्बाब्वे से हार के बाहर होते होते बचे और एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। चलो अच्छी बात है, सारी बातें अच्छी है, लेकिन अभी तक जीता क्या हमने? कुछ भी नहीं जीता। ट्राई नेशन की सीरीज एक T20 की जीत ली है न्यूजीलैंड में जाके। टेस्ट क्रिकेट में ये बदतरीन ये वाला रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, वाइट वॉश अपने घर में होने वाला। तो हुकूमत ने सोचा कि भाई, किसी ने कोई इनके बोला यार पता नहीं कितना अरसा है तुम्हारा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल, जब भी अगला इलेक्शन होगा ये काम तो करते जाओ यार, क्रिकेट भी कुछ क्रिकेट भी रहम करते जाओ। यहाँ तो सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है। और ये ऐसे हैं चेयरमैन कोच कप्तान कि जिनको एहसास भी नहीं होता। एक तो इंसान होता है कि यार चलो ठीक है, हमने कोशिश की नहीं हो पा रहा, अपनी गलती को एडमिट करें। ये इतने एडमेंट, इतने अड़ियल, इतनी अकड़ करेंगे जी आज आपके साथ कि बड़ी तब्दीली हो चुकी है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। रमीज राजा एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे अब से कुछ टाइम के बाद, आज नहीं तो कल वो जो है नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और बड़ा नोटिफिकेशन जो है इशू होने जा रहा है रमीज राजा के खिलाफ, जिसमें रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो है नए चेयरमैन ले लेंगे नजम शेट्टी साहब को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन मुकर्रर किया जा रहा है, बड़ा टाइम था रमीज राजा के पास कि आते और बोर्ड में आकर प्रॉपर तरीके से रमीज राजा को काम करना था, लेकिन रमीज राजा ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो है पाकिस्तान में इंडिया का चूहन बेचने में जरा सबसे आगे रहे। बात करेंगे इसके ऊपर और करने के लिए लोगों को आए हुए थे और बातें बस सिर्फ बातें, कोई काम काज नहीं, सिर्फ बातें ही बातें। अब उनकी जो छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह नए चेयरमैन आ रहे हैं नजम शेट्टी एज अ चेयरमैन पीसीबी को संभालेंगे। दाऊद साहब
देखो बिल्कुल ये तो होना ही था और आपको कल से ही बता रहे हैं कि कहानी ऐसे ही है और रमीज राजा साहब ने जाने ही, अब कब जाना था वो आज फैसला हो गया, जाना तो उन्होंने था ही, एक नहीं तो दो दिन बाद, नहीं तो तीन दिन के बाद, और फाइनली रमीज राजा जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा चूर्ण आवाम को लगाया हुआ था ट्रक की बत्ती के पीछे और वो लगातार बोल रहे थे कि जी इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया आएंगे, कभी इंडिया की बुराई, कभी इंडिया इंडिया करके उन्होंने अपना एक नैरेटिव बना लिया था और बड़ा अच्छा नैरेटिव बना लिया था। हाँ, एक बड़ा अच्छा नैरेटिव। ये साउंड अली साहब हुआ अब यह कि नजम शेट्टी साहब आ रहे हैं, रमीज राजा साहब जा रहे हैं, सबसे बढ़कर ये बाबर की कप्तानी भी जा रही है, बाबर आजम भी जा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी एक फॉर्मेट की कप्तानी जा रही है, क्योंकि जो शकील शेख होते हैं नजम शेट्टी के साथ वो का जो एरा था वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका। नजम शेट्टी साहब ने रिज्यूम कर लिया, किस तहत रिज्यूम किया कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जिसके तहत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि पैट्रन इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक नई मेंबर कमेटी का अनाउंसमेंट की है, फुटिंग ना होती। लेकिन ये जो एडॉक लगाया इसके बाद रमीज के पास एक लीगल फुटिंग जरूर है। अब वो रमीज की मर्जी है कि रमीज इसको परस्यू करना चाहते हैं, वो लीगल बैटल में घुसना चाहते हैं, वो नहीं घुसना चाहते, वो अब उनकी मर्जी है। लेकिन उनके पास एक लीगल फुटिंग जरूर है क्योंकि एडॉक जो लगाया गया है इसको एडॉक का नाम नहीं दिया, लेकिन ये एडॉक ही है। अगर आप लोग 2014 और 2019 रमीज की जो लीगल फुटिंग है वो तगड़ी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रमीज इसके अंदर घुसना चाहेंगे क्योंकि अब रमीज के साथ जो हुआ है शायद रमीज खामोशी से चले जाएंगे। लेकिन अगर रमीज इसकी लीगल फुटिंग के ऊपर जाना चाहते हैं तो रमीज के पास लीगल फुटिंग और लीगल बाइंडिंग जरूर मौजूद है। लेकिन वापस आके पकड़ लें कि रमीज लीगल फुटिंग पे जाते हैं नहीं जाते, वो बात की बात देखी जाएगी। चेयरमैन दुआ कर लें, जूनियर पीएसएल करा के बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था उनका, जिसमें बहुत बड़े बड़े मेंटोर बने और उनको बड़े पैसे बांटे गए। रेहान दिया उन्होंने इंग्लैंड को, रेहान। अच्छा रेहान उन्होंने दिया, अच्छा मैं समझ रहा था इंग्लैंड वाले लाए। अच्छा ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा, जो आउट कर देगा वो हमारा, जो आउट कर देगा वो हमारा, मैंने रेहान दिया। अच्छा नजम शेट्टी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, आना जाना तो चलता। सबसे पहले रमीज राजा का यार छेड़ी दिया है तो मैंने दुआ कर ली है, जब वो आए थे जब भी मैंने दुआ करी थी या अल्लाह रहम करे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि रमीज भाई इतने सख्त फैसले लेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। अच्छा आने के बाद उन्होंने जो फैसले लिए उसके अंदर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिलाया उन्होंने आपको, देखें 2021 का, किसने खिलाया? रमीज भाई ने खिलाया आपको, देखें 2021 का, किसने खिलाया? रमीज भाई ने खिलाया, रमीज भाई ने खिलाया सेमीफाइनल, रमीज भाई। उसके बाद रमीज भाई ने एशिया कप का फाइनल खिलाया आपको, बाबर ने क्या खिलाया? उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 का दुआओं से फाइनल भी खिलवा दिया, उन्होंने दुआएं करवाई उन्होंने खुसूसी। अच्छा बीच में रमीज भाई को बाबर ने धोखा दिया हमेशा। अच्छा क्यों? 2021 का सेमीफाइनल हरवाया बाबर ने, ठीक है, एशिया कप का फाइनल हरवाया बाबर ने, और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी बाबर ने हरवाया। कल क्या तय हुआ था भाई? क्या बाबर के लिए नहीं बोलेंगे आप कुछ? नहीं तो ये रमीज भाई कहेंगे। अच्छा ना, रमीज भाई, ये रमीज भाई ने बताना है कि देखिए यार मैंने हर तरह से कोशिश करी, 19 साल के मैंने दुनिया भर के लड़के बुला लिए, अपने 19 पे थूक दिया मैंने, जो मेरे 19 के उन पे आंख थूक करके मैंने थूक दिया, जाओ तुम पे लानत है, तुम लोग डोमेस्टिक में मर खप जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं लूंगा, मैं हमेशा अपनी नजर के बच्चों को लूंगा, जाओ भाई रिश्तेदारों को बुला लो, रजाक का लौंडा उठा लो, उसका लौंडा उठा लो, उसका लौंडा, हमें पता है भाई किस किस के लौंडे खेल रहे हैं इसके अंदर 19 साल में, जिसमें 1 अरब रुपया आपने लगाया था, ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कर रहे थे, वो किसके लिए? अपने 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 लिए कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कर रहे थे। अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट से उनको कुछ भी नहीं मिला, बाबर को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कप्तानी के अंदर, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था बाबर जब तक मैं चेयरमैन हूं मुझे तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, ठीक है, वो तो एक लाइन के अंदर उन्होंने पूरी तारीफ कर दी थी बाबर आजम की कि भाई मुझे तो इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और जब बाबर ने उनके साथ हमेशा ज्यादती करी, हमेशा धोखे में रखा, हमेशा धोखे में रखा बाबर आजम ने उनको, भले वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारना हो, भले वो इंग्लैंड से T20 हारना हो, जब रमीज भाई ने पूछा बाबर क्या पोजीशन है आज के मैच में, टाइट है टीम बना रहा हूँ, हाँ ये रमीज भाई जैसा आपने कहा था सरफराज, ये सब पुरानी खबर है, रमीज भाई आपने कहा था सरफराज को नहीं खिलाना, नहीं खिला रहा हूँ, उसे बाहर बिठाया हुआ मैंने। जो रमीज राजा ये बोल कर कह रहा था कि मैं जूनियर PSL करवाऊंगा, मैं एशिया कप भारत को इधर खेलने लाऊंगा, पाकिस्तान में भारत खेलने आएगा, और भारत अगर पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आया तो हम भी भारत में जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो खेलने नहीं जाएंगे, ऐसा कहने वाले रमीज राजा को चेयरमैन की कुर्सी से निकाल दिया गया। बहुत ही अफसोस की बात है। रमीज राजा BCCI से पंगा मत लो, BCCI से पंगा बहुत महंगा पड़ता है।
बीसीसीआई ने देखो देखो रातों रात तुम्हें चेयरमैन से भी हटा दिया, पता भी नहीं चला तुम्हें। रमेश राजा जो कि बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे, मैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को यहाँ ले जाऊंगा, मैं पाकिस्तान की टीम को वहां पे ले जाऊंगा। रमेश राजा की सारी मेहनत और जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो ख्वाब रातों रात चूर चूर हो गए। दोस्तों रमेश राजा तो इंडिया में वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ उससे पहले ही चेयरमैन की कुर्सी से निकाल दिए गए। और रमेश राजा कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में नहीं आए, आएंगे। देख लिया ना इंडिया का पावर क्या होता है, बीसीसीआई का पावर क्या होता है। कैसे रमेश राजा को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला। और रमेश राजा को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप दिया, वो भी 3-0 से। उसी की वजह से रमेश राजा को चेयरमैन की कुर्सी से निकाल दिया गया है और बाबर आजम और रमेश राजा की जोड़ी अब टूट गई है। रमेश राजा को निकाल कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया, लेकिन रमेश राजा जो इंडिया के सामने आ रहा था, इंडिया ने दिखा दिया कि हमारे सामने आने की तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। इसलिए औकात में रहे रमेश राजा इसी ठोकर मारकर निकाल दिया।